हे hey दोस्तों डीबीसी में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं ईशान शर्मा से जो कि एक स्टूडेंट है जिसने 20 साल की एज में 87 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करा पिछले साल ही कैसे उसने ये सारी चीजों को अचीव किया क्या उसके अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है कैसे जब उसने अपनी डिजिटल जर्नी स्टार्ट करी थी तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कैसे उसने आई करने का भी सोचा जिसके अंदर उसे सक्सेस नहीं मिली बट फॉर्चुनेटली आप बोल सकते हो जब उसे सक्सेस नहीं मिली तब उसने डिजिटल क्रिएशन पर फोकस किया डिजिटल क्रिएटर बनने पे फोकस करा जिसकी वजह से आप बोल सकते हो अर्ड ऑफ मनी कई सारे आई से वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में कैसे उसने एक स्टूडेंट होते हुए सारी चीजों को अचीव करा ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेवन्यू कहाँ से कितने कितने पैसे आते हैं कैसे आप भी ये सारी चीजों को अचीव कर सकते हो कौन सी स्किल्स आपको सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है और, और भी कई इंटरेस्टिंग चीज है अब ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे ऐप की जिसके अंदर आपको ये सारे डीबीसी के एपिसोड एक साथ मिल जाएंगे और कई सारे एपिसोड जो मैं यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ पहले वो सारे आपको ऐप में सबसे पहले देखने मिलते हैं सो उसे भी जरूर जाके चेकआउट करो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो अभी स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड से जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इंस्पायरिंग है सो ईशान वेलकम टू डी बी मैंने ना अभी रिसेंटली तुम्हारा एक वीडियो देखा था कि हाउ डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ मैं ठीक है तो मैंने अभी रिसेंटली तुम्हारा <laughs> वीडियो देखा था कि हाउ मच आई मेड इन 2021 आई थिंक सो ऐसा था वीडियो जो मुझे काफ़ी बार रिकमेंड किया दो तीन आ, बार मुझे रिकमेंडेशन आया तो मैंने बोला देखता ही हूँ और मैंने देखा और मैं सच बोलू तो मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिला और आई थिंक बहुत सारे व्यूवर्स जो लोग लाइक जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो लोग मेरे भी वीडियोस देखते हैं उनको भी एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिल सकता है तुम्हारी स्टोरी से तुम्हारे पूरे एक्सपीरियंसेस से तो मैं चाहूंगा ना तो कि तुम स्टार्ट स्टार्ट ही इससे ही करते हैं डायरेक्टली धमाकेदार स्टार्टिंग करते हैं कि मैं चाहूँगा कि वही वीडियो का जो क्रक्स था ना तुम थोड़ा बहुत बता दो कि योर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑनलाइन तुम कौन से कितने तुम सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कमा रहे हो राइट नाउ और तुम्हारे मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू उसमें क्या है ठीक है अभी क्या हो रहा है नॉर्मली आई हैव अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज नंबर वन इज़ यूट्यूब जिसके बारे में बात करते हैं थोड़े टाइम में देन इज माई बिजनेस मार्केटअपअप विच इज़ अ कॉन्टेंट क्रिएशन एजेंसी तो यहाँ पर हम लोग लोगों को बिजनेसेस को हेल्प करते हैं ताकि वो उनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम ग्रो हो सके hmm. उसके अलावा मेरी एक खुद की एक बुक है एंड दिस इज बेसिकली ऑल द सोर्सेज दैट आई हैव ऑफकोर्स इन्वेस्टिंग भी है क्रिप्टो भी है बट वो थोड़ा पैसिव सोर्स हो गया एक्टिव सोर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब है तो यूट्यूब में जो भी वीडियोज़ लोग देखते हैं उसमें जो भी एड्स आते हैं तो उसमें एडसेंस के थ्रू इनकम हो जाती है उसके बाद फिर बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं तो जो ब्रांड्स मैं खुद यूज़ करता हूँ एंड मैं उनके बारे में बात करता हूँ लोगों को बताता हूँ कि दिस हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल फॉर मी मुझे इनकी सर्विस अच्छी लगी एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई यूजिंग आउट देयर प्लेटफॉर्म तो ये एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होता है यूट्यूब में उसके अलावा बहुत सारे एफिलिएट लिंक्स होते हैं डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हो फ़ोन कौन सा यूज़ करते हो ये ये क्या कौन सा है ये वाला एक्जैक्टली राइट हेडसेट कौन सा हेडफोन कौन सा तो वो सब मैं उसमें डाल देता हूँ एंड दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पैसिव रेवेन्यू उसके अलावा दिस ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बजीर एक्स रेफरल प्रोग्राम विच इज़ रियली गुड सो उसमें क्या होता है फिफ्टी परसेंट कमीशन मिलता है फॉर एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन दैट सम वन मेक्स थ्रू योर अकाउंट थ्रू योर लिंक तो अगर किसी ने आपके लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट बनाया और वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फिफ्टी परसेंट कमीशन मिलता है सो दैट्स ऑल्सो रिली गोड उसके अलावा दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑन यूट्यूब उसके अलावा यूट्यूब में मैंने जो भी सीखा उसको मैंने अप्लाई किया अपनी एजेंसी में मार्केट अप में तो यहाँ पर हमारे पास कई तरह के क्लाइंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बस शुरुआत इसलिए कर दी क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को रीच आउट कर रहे थे बोल रहे थे कि देखो ईशान तो अपने चैनल पे अच्छा काम कर रहे हो वी वॉन्ट टू ऑफर यूर फुल टाइम पोजिशन एंड बिकम आर कॉन्टेंट मार्केटर कॉन्टेंट स्ट्रेटेजिस्ट और हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉन्टेंट बनाओ उसको ग्रो करो तो मेरे को ऐसा लगा कि इट वुड बी मच बेटर अगर मैं अपने ऐसे और दोस्तों को ले आऊँ एंड वी टुगेदर बिल्ड लाइक एन एजेंसी और हम इन बहुत सारे क्लाइंट्स को साथ में केटर करें रादर देन जस्ट मी वर्किंग विद वन कंपनी पर्टिकुलरली तो वो हमने स्टार्ट किया मार्केट अप बहुत सारे जो इनिशियल क्लाइंट्स थे तो वो मेरे कॉलेज से ही थे मैं बिट्स प्लानी गोवा कैंपस में पढ़ रहा हूँ अभी थर्ड ईयर में एंड अच्छा, okay. uh, उनके थ्रू हमने स्टार्टिंग करी तो इट वॉज मोर लाइक मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कोई भी पार्टी हो रही है जो भी बातचीत होती रहती है लोगों की तो उसके थ्रू फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया बोला कि अरे मैं उनसे बात कर रहा था उन्होंने बोला कि तुम ये वाले काम करते हो मेरा भी यूट्यूब चैनल हैंडल कर लो मैं बस वीडियो बनाना चाहता हूँ बाकी काम मेरे को नहीं करना थम और सारी चीज़ मैंने मैं नहीं करना चाहता तो अभी पता हुआ कि मतलब वीडियो बनाना तो एक चीज़ होती है बट उसको अपलोड करना उसको ऑप्टिमाइज़ करना थम बनाना वो सारी चीज़ें एक अलग ही सेगमेंट होता है और बहुत सारे लोग उसको इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं बट उनको बोलना बहुत अच्छे से आता है एक्सप्रेस करना आता है तो वो वो हमने देखा एंड दैट्स वाई वी स्टार्टेड आउट विद मार्केट अप अभी हमारे पास दस क्लाइंट हैं जिनमें से आठ जो हैं वो प्रॉपर स्टार्टअप्स हैं फंडेड स्टार्टअप हैं एंड दो इन्फ्लुएंसर्स हैं तो ये इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पर बढ़िया कर रहे हैं बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू नाउ डाइवर्सिफाई इन टू यूट्यूब तो ये एक सेकेंड सोर्स है ऑफ माई इनकम मैं इसमें से ऐसी कोई सैलरी नहीं ले रहा हूँ बट इट्स जस्ट दैट आई एम बिल्डिंग माई एक्विटी एंड बिल्डिंग दिस बिजनेस बेसिकली तो दैट इज वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ दिस इज़ द सेकेंड सोर्स उसके अलावा मेरी किताब भी है बट किताब को मैं इतना पब्लिसाइज नहीं करता बिकॉज आई मोस्ट ऑफ द टाइम गिव इट अवे फॉर फ्री तो क्या हुआ था टू थाउजेंड ट्वेंटी में आई लर्न अ लॉट अबाउट गेटिंग अपर्चुनिटीज़ ऑन लिंकडन तो मुझे फर्स्ट वीडियो एडिटिंग की जो गेग मिली थी मेरे को लिंक्डइन के थ्रू मिली थी मेरे को लोगों को कोडिंग सिखाने का जो अपॉर्चुनिटी मिला था वो वो लिंकडिन के थ्रू मिला था किसी ने मैसेज किया था कि ईशान वी सी यू आर मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब अबाउट कोडिंग तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के लोगों को कोडिंग के बारे में सिखाइए सो दैट पर अपनी सारी लर्निंग्स जो है मेरी लिंकड के बारे में mm -hmm. कैसे आप कॉन्टेंट बना सकते हो mm -hmm. कैसे आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते mm -hmm. हो कैसे आपको लोगों से बात करनी चाहिए लिंगड इन प्रोफाइल लिंकड इन पर तो वो सब अगर मैं डाल दूँ दैट वुड बी अलॉट मोर वैल्यूबल फॉर सम तो मैंने यही किया आई जस्ट सैट डाउन एक हफ्ते में एक दो महीने में मैंने पूरी किताब बना दी एंड इट्स आउट देयर ऑन एमेजॉन एंड ऑल सो दैट इज बेसिकली रफ जिस्ट ऑफ हाउ आई मेक मनी एज अ कॉलेज स्टूडेंट लिविंग इन होम तो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अपने इस रूम से पिछले दो साल में बाहर नहीं गया एंड अच्छा। मैं इसी जगह पे बैठ करके सारे काम कर रहा हूँ मतलब <laughs> गया था मैं एक बार मेरे जो यूट्यूब दूसरे क्रिएटर्स हैं उनसे बहुत टाइम से बात कर रहा था मैं फ़ोन पे बट आई वॉज इस चलो मिलते हैं एक बार एंड आई विल जैस है फन तो मैं दिल्ली गया था एंड वहाँ पर बाकी जो दूसरे कोडिंग कॉलेज क्रिएटर्स हैं उनसे मिला एंड उनसे मिलकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया तो वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को बट जनरली जो भी मैंने काम किया है वो यहीं पे इस रूम में बैठ करके किया है सारी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं अगर आप देखोगे दो साल पहले तो ये माइक नहीं था सॉफ्ट बॉक्स नहीं थे कैमरा नहीं था लैपटॉप इतना अच्छा नहीं था सो इट हैज़ हैज़ ओवर टाइम तो दैट दैट बीन लाइक अ रफ जर्नी आई हैड ओके सो अभी एक समराइज करने के लिए मैं चाहता है कि थोड़ा सा अगर तुम एकदम ब्रीफ में फटाफट बता सको कि कितने ऑफ रेवेन्यू के बारे में हमने बात की है ताकि लोगों को लाइक याद रह पाए क्योंकि बात हो जाती है फिर ना व्यूवर्स भूल भी जाते हैं कई बार तो एक समराइज करने के लिए ऐसा मैं चाहता हूँ गिना दो और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी जो मैक्म लोग पता एक मोटा मोटा हिसाब भी दे दो कि इतने से इतना आ रहा है मतलब आपको कितनी रेवेन्यू आ रही है आपके अलग अलग सोर्स से ओके सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज गोइंग टू बी मार्केट अप मार्केट अप के थ्रू मार्केटअप एक हंड्रेड थाउजेंड डॉलर पर मंथ पर ईयर का बिजनेस है एंड तो उसका आप डिवाइड कर सकते हो मैं उससे कुछ अर्न नहीं करता बट आई एम बिल्डिंग माई इक्विटी तो दैट्स द फर्स्ट वे द टाइम एक मनी उसके बाद आता है यूट्यूब एडसेंस यूट्यूब एडसेंस के थ्रू अराउंड थर्टी फाइव हंड्रेड डॉलर थ्री थाउजेंड डॉलर्स पर मंथ की इनकम होती है उसके अलावा स्पॉन्सरशिप्स है आई के नॉट रिवील एग्जैक्टली कौन कितना स्पॉन्सरशिप कितना पे करता है बट रफली इट इज़ हाँ मतलब मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो इट टर्ंस आउट टू बी अबाउट सिक्स टू सेवन एट लैक्स पर मंथ बट देन कम्स एफिलियट मार्केटिंग दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर ऊपर नीचे होता रहता है इट्स नॉट प्रॉपर बट आई थिंक लास्ट मंथ इट वॉज अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज सो मतलब ठीक है इट्स ऑल पैसिब आफ्टर दैट आई हैव माई इन्वेस्टमेंट्स विच इज़ अ लिटल बिट सेपरेट बट या दीज वर द मेजर सोर्सेज किताब को मैं पब्लिसाइज नहीं करता तो उसका तो

मैं भी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग की थी मैंने और फिर मैं भी तुमने ये अपनी जर्नी स्टार्ट कब से की मतलब कैसे स्टार्ट कैसे हुआ तुम्हारा तुम एक स्टूडेंट थे फिर स्टूडेंट से तुमने ये कैसे हुआ जहाँ तक मेरे को पता है तुमने शायद जेई के लिए भी प्रिपरेशन की थी और उसमें भी कुछ हुआ था तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है और कैसे वो शिफ्ट यहाँ पे आया कॉन्टेंट क्रिएशन पर आया ये भी थोड़ा बताओ व्यूवर्स को श्योर sure. तो क्या हुआ था जब मैं अपने टेंथ और इलेवेंथ में था mm -hmm. मम्मी आपा का टिपिकल सपना होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा आई जाएगा टिपिकल जो न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं एंड यू हैव दिस उनका एक सपना रहता है कि बच्चा आई में जाकर के नाम रोशन करेगा एंड ऑल दैट तो मैंने उसकी प्रिपरेशन बहुत मेहनत से करी टेंथ क्लास में कैटलाइजर करके एक था कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पर मैं पढ़ा उसके बाद इलेवन ट्वेल्थ में फिट जी में पढ़ा था मैंने बहुत मेहनत करी वहाँ पर एंड बहुत ही टॉक्सिक सा शेड्यूल हो गया था मेरा तो मैं सुबह एक स्कूल uh, जाया करता था फिर वहाँ पे आ कर के वापस मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाया करता था उसके बाद फिर मैं घर पे आकर के स्कूल का होमवर्क ये कोचिंग की पढ़ाई एंड ऑल दैट ये सब कुछ करने के बाद बहुत कम टाइम बचता था बट सम हाउ आई मैनेज एंड देन केम माई जे ई एडवांस जेई मेन्स मैंने क्लियर कर लिया था बट जेई एडवांस के अंदर मेरे कोई इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था बट उस पॉइंट मैंने रियलाइज़ किया था कि अब क्या होगा आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ सो दैट आई डोंट हैव टू टेल पीपल कि मैं कौन से कॉलेज से हूँ या फिर आई डोंट हैव टू यूज़ सम बिगर ब्रांड टू टेल माई सेल्फ कि मैं तो आई आई एम से हूँ या फिर मई आई आई टी से हूँ आई जैस हैव टू सेट आई एम ईशान शर्मा एंड पीपल गिल रियलाइज हु ही इज राइट सो दिस इज बेसिकली वॉट माई आइडिया वॉज एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद कोडिंग दैट वॉज द फर्स्ट स्किल आई लर्न आफ्टर दैट आई फोकस मोर ऑन लर्निंग अबाउट वेब डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑल मैंने पाइथन सीखा उसके बाद मशीन लर्निंग में गया देन आई लर्न अबाउट वेब डेवलपमेंट तो मैंने खूब सारी वेबसाइट्स बनाई उसके बाद आई वॉज लिसनिंग टू आ लॉट ऑफ गैरिवी राइट तो उनकी बहुत सारी वीडियोज देखता था मैं पहले टू थाउजेंड नाइनटीन डिसम्बर की बात है एंड देन टू थाउजेंड ट्वेंटी में ऑबियसली कोविड हो गया एवरी वन वेंट बैक होम एंड देट वॉज द पॉइंट एट विच आर रियलाइज कि मेरे कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ एंड उनकी जर्नीज रिकॉर्ड कर सकता हूँ ताकि जो बाकी लोग हैं दे कैन लर्न फ्रॉम इट मेरे कॉलेज में बहुत सारे लोग थे जैसे कि एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट थे जो कि हार्वर्ड में पढ़ने गए थे उनको स्कॉलरशिप मिली थी अच्छा. एक एक थे जिनको जिन्होंने गूगल समर ऑफ कोड क्रैक किया था तो गूगल ने उनको थ्री थाउजेंड डॉलर्स पे करे थे तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि कुछ अपनी अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं तो है थोड़ा उन सबसे जानते हैं उनकी स्टोरीज़ क्या रही हैं एंड आई कैन शेयर दैट विद एवरी बहुत से लोगों के पास एक्सेस नहीं होता है तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनके लिए सो फॉर दैट आई स्टार्टेड माई पॉडकास्ट मैंने उस पॉडकास्ट को स्पॉटीफाई पर डाला था टिपिकली uh, मैं कंटेंट वहीं पे कंज्यूम करता था बट देन आई रियलाइज़ कि लोगों को स्पॉटीफाई के बारे में इतना नहीं पता था मतलब ऑडियो पॉडकास्ट के बारे में जनरली दो साल पहले अभी शायद पता होगा बट देन आई रियलाइज की मेरे को यूट्यूब पर भी डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने दोस्त से एक बार बोला था कि भाई मेरा पॉडकास्ट जाकर सुन लें अच्छा। तो लाइक कहाँ सुनू तो उसे पता ही नहीं कहाँ पर सुनते हैं ऑडियो पॉडकास्ट सो दे अपलोड इट ऑन यूट्यूब उसके बाद क्या हुआ जब कोविड हो गया तो अभी वन वेंट बैक होम मार्च में आई केम बैक आई रियलाइज की मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम है जो लेक्चर्स होते थे ऑनलाइन उसमें मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छी चीज़ है बट आई डोंट रिली अंडरस्टैंड इट एज मच एज अदर फील्ड तो मेरे को बाकी चीज़ों में ज्यादा इंटरेस्ट था सो आई वेंट इन टू दैट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीकेंड्स पे पॉडकास्ट होता था संडे संडे को बट देन आई रियलाइज कि अगर मैं वीकडेज के अंदर अपना खुद का कुछ कंटेंट डालू जिसमें मैं ही कुछ बोल रहा हूँ तो उससे लोग थोड़ा और रिमेंबर करेंगे मेरे को एंड थोड़ा सा और ग्रो हो सकता है पॉडकास्ट चैनल जो था मेरा यूट्यूब पर तो मैंने वही किया बस आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड वन और टू वीडियोज़ एवरी सिंगल डे मेरे को बिल्कुल ठीक से बोलना नहीं आता था आई यूज़ टू स्टैमर अ लॉट बट आई केप्ट ऑन गोइंग आप मेरे पीले पुच्छा जो मेरे पहले वीडियो है वो देख सकते हो जस्ट टू सी कि मैं कैसे बोलता था बट आई लर्न अ लॉट इन द जर्नी एंड आई केप्ट ऑन गोइंग राइट मैंने कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं करी Achha. है बहुत से लोग करते हैं ऐसा बट आई वॉन्ट टू शो पीपल द होल जर्नी दट आई हैव बीन थ्रू ताकि लोगों को ऐसा लगे ना कि यह तो परफेक्ट है इसको बहुत सी बोलना आता है इज़ वेरी मच फ्लूट इन इंग्लिश एंड ऑल तो आई वॉन्ट टू शो दम दट नथिंग इज परफेक्ट आई लर्न अ लॉट

सो दैट वॉज द होल शेड्यूल उसके बाद फिर आई जस्ट कैप्ट ऑन गोइंग अभी हमने अपना घर चेंज किया तो दिस वॉज अ मच बेटर प्लेस जहाँ मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग अच्छी आती है तो वीडियो अच्छी बनती है सो यहाँ पे पहले मेरा बेडरूम वगैरह था यहाँ पे सब बेड था सब कुछ था बट दैन एस टू लस सब कुछ हटाया एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर स्टूडियो नाउ जस्ट रिकॉर्डिंग विडियोज सो देट स्पेसिकली वी तो मतलब और तुमको क्या लगता तुम जो बूस्ट था, मतलग, का वो मिलता है ना वो कब मिला पहला मतलब देखो कैसे है ना बहुत से व्यूवर्स मेरे भी है जो लोग स्टार्ट करते हैं दे स्टार्ट बट उनको वो इनिशियल बोलते हैं ना व्यूज़ नहीं मिल पा रहे मे भी सब्सक्राइबर इनिशियल मिलने में प्रॉब्लम होती है तो उसको टैकल करने के लिए तुमने क्या किया वो प्रॉब्लम ऐसा फेस करनी पड़ी या फिर तुमको जल्दी मतलब सक्सेस मिलने लग गई <laughs> मुझे आज भी याद है दो मार्च 2020 को मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि देख मैं 96 सब्सक्राइबर हो रखे हैं अच्छा। सब्सक्राइब कर ले एंड देन दूसरे लोगों को भी बता और सब्सक्राइबर हो जाएंगे अच्छा। उसने मैं बोला नहीं करूंगा एंड अच्छा। वो चला गया फिर अच्छा। एंड वो हो गया फिर दो चार दिन में सौ सब्सक्राइबर हो गए मेरे थैंकफुली बट दैट वॉज अ वेरी हार्ड मोमेंट फॉर मी क्योंकि बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या करता रहता है इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर के ये वीडियो क्यों बना रहे हैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए नंबर तो आ नहीं रहे हैं छः सी जी था मेरा उस टाइम पर अच्छा। तो उस पर क्यों नहीं फोकस करता टाइम पास कर रहा है एंड ऑल दैट बहुत मजाक उड़ाया बहुत गालियाँ पड़ी कॉलेज में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं एंड ऑल दैट बहुत मीम बने बट आई केप्ट ऑन गोइंग इट टुक मी सिक्स मंथ्स टू रीच वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड दैट वॉज अ रियली नाइस एक्सपेरिमेंट फॉर मी मतलब वो होता है ना कि एक्सपोनेंशियल कर्व को जो समझने वाली चीज़ होती है बहुत कम लोग समझ पाते हैं बट आई लर्न इट इन दैट होल सिक्स मंथ्स की मतलब एवरी थिंग इन लाइफ इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल इफ यू कीप एट इट इट इज गोइंग टू बिकम लाइक एन एक्सपोनेंशियल कार सो आई कैप्ट एट इट एंड देट इज़ बेसिकली वॉट माई इनिशियल एक्सपीरियंस वॉज कैसे मैंने सब्सक्राइबर्स गेन करे इनिशियली तो हर संडे को आई यूज टू ब्रिंग इन गेस्ट हु वर बिग ऑन लिंकडन तो मैं लिंगडन के थ्रू ही जाके देख देखता था कि कौन से लोग हैं कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर होते थे कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स होते थे mm. तो उनकी अच्छी कम्युनिटी थी उनके अच्छे फॉलोअर्स थे तो आई यूज टू रिक्वेस्ट दम कि इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन ऑलसो शेयर दिस पॉडकास्ट ऑन योर नेट नेटवर्क तो जस्ट आई रिक्वेस्ट नथिंग नॉट फोर्सिंग ऑन एनीथिंग लाइक दैट एंड दे वुड जस्ट शेयर इट एंड दैट इज

हाँ मतलब आप सोचो कोई नॉर्मल बंदा है वो यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहा है वो खुद को बाहर ला रहा like you know? है लाइक ही इज पुटिंग हिमसेल्फ आउट एनी वन केन जज हिम एंड द पीपल दैट नो हिम द मोस्ट इन देयर ओन कॉलेज आर ट्राइंग टू पुट हिम डाउन यू नो बट ठीक है डैट्स वॉट विद मी दैट वॉज फाइन नहीं एक्चुअली ऐसा होता है मैंने कहीं तो मैंने पढ़ा भी था इस चीज़ में यूजली ना जो हम हमें पहचानते हैं ना वही लोग हमें ज़्यादा मतलब देखते हैं ना कि हमसे आगे बढ़ रहा है वो हमसे अलग कर रहा है कुछ दे हैव दैट कि नहीं इसको घसीटना है हमारे साथ ही लाना है सबकॉन्शियसली बहुत बार कॉन्शियसली नहीं, नहीं हाँ। करते हैं। वो लोग लो लेकिन सबकॉन्शियसली दे डोंट वांट कि तुम उनसे आगे निकल जाओ काइंड ऑफ समझ रहो तो इसीलिए कई बार लोग मजाक भी ये, उड़ाते ये। हैं कई बार ऐसी बस जस्ट फॉर द फन ऑफ इट भी मजाक उड़ाते हैं बट तुम्हारी स्टोरी एक्चुअली सच बोली तो काफी इंस्पायरिंग है अभी तुम्हारी एज कितनी है एज है और यू आर अर्निंग लैक्स जितना भी मतलब टोटल मोटा मोटा तुम्हारा कितना अर्निंग हो गई है मतलब अगर सब मिला दे मैंने कैलकुलेट नहीं किया

है ना तो अब वो उन लोगों से मैं बात करता हूँ तो दे ऑलवेज लाइक य थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है लाइक like, <laughs> मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा तुमसे <laughs> नहीं ये सेम चीज़ एक्चुअली तुम्हारी तुम्हारी स्टोरी है ना मेरी स्टोरी से मतलब थोड़ी बहुत मिलती है मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स लोग थे वो लोग भी बहुत हंसते थे जब मैं करता था ना मैं भी सेम इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही था और मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे याद है लाइक फर्स्ट ए पहला डॉलर जब मैंने कमाया था ना तो मैंने जब बताया था अपने दोस्तों के यार मैंने एक डॉलर कमाया हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा बड़ी चीज़ थी वो एक डॉलर लेकिन मेरे दोस्त का कैसा था एक डॉलर कितना होता है साठ रुपया साठ रुपया कमा के कितना खुश हो रहा आप आगे <laughs> और दे वर दे ऑलवेज यूज़ टू मेक फन ऑफ मी बहुत बार ऐसा वो करते हैं ये मैं क्योंकि ना हमेशा बिजनेस बिजनेस की बात करता था मैं हमेशा बोलता था कि बिज़नेस बिजनेस पर फोकस करना चाहिए अगर तुम लोग जॉब में फंसे रहो क्योंकि मैंने रजिडेड टू बुक पढ़ ली थी ना तब तो मेरा दिमाग एकदम खुल गया था तो मेरे को पता था कि यार ये मैंटालिटी जो है ना वो सही नहीं है तो मैं ऐसा कई बार बहुत अच्छी बुक हाँ वो वो मेरी फर्स्ट बुक थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया बुक्स रीड करने के लिए और ये बुक की जर्नी स्टार्ट करने के लिए तो उसमें से सिक्के में बोलता रहता था तो वो लोग मजाक उड़ाते थे बहुत कि ये बिजनेस मैन आ गया भाई देखते हैं क्या बिजनेस करता है ये वो और मुझे याद है एक दिन एक दिन एक दिन मेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था वो लोग के ऊपर तो मैंने ना क्लास में से खड़ा होकर सबको चिल्लाया था मैंने मैंने ना मतलब तो एकदम इमोशनल हो गया मैंने सबको बोला था देखना सालों कुछ सालों में ना तुम लोग देखना तुम लोग कैसे घसते रह जाओगे जॉब करते हुए और मैं देखना कैसे कमाऊँगा मतलब एकदम एक्जैक्टली ऐसा नहीं बोला था बट मेरा क्रक्स यही मैं वो लोग को दे रहा था कि देखना तुम लोग कैसे जब घसते रहोगे ना जॉब में हर दिन एक सेम काम करते करते थक जाओगे ना तो उस दिन याद करोगे यार ऋशान जो बात बोल रहा था ना सही बोल रहा था और सच बोले तो अब है ना वही है। दो, वही दोस्तों के ना वही लोगों के ना मैसेजेस आते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं वो लोग और वो लोग भी सीखना चाहते हैं पहले वो लोग को भी क्योंकि ना लोगों के दिमाग इतना खुला नहीं रहता स्टार्टिंग में वो लोग है ना बहुत बॉक्स मेंटालिटी में सोचते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लेकिन कई बार अच्छी बात यह कि फिर वो लोग इंस्पायर भी होते हैं और सीखते हैं और वो वन ऑफ द मोस्ट बोलते हैं सेटिसफैक्ट्री थिंग भी होती है कि हाँ आपने कुछ करा एंड यू प्रूव्ड योरसेल्फ कि हाँ आप कर सकते हो फिर दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हो तो दैट्स वेरी ग्रेट मैं डेफिनेटली आई थिंक सबको नवल रविकांत के बारे के जो पॉडकास्ट है वो सुनने चाहिए काफी कुछ सीखने को मिले हाँ, अलमनाक ऑफ नवल रविकांत राइट right? उनकी एक बुक भी है उन्होंने नहीं 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 नहीं। नहीं

तो फिर इसलिए तुम आप आई थिंक सॉफ्टवेयर पर भी फोकस कर रहे हो राइट right? अभी हम लोग सोच रहे हैं कैसे अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं तो मैंने ये एक चीज देखी है कि बहुत सारे लोग कोई स्किल सीख लेते हैं बट उनको पता नहीं होता कि इससे अपॉर्चुनिटीज कैसे लूँ जॉब कैसे लूँ फ्रीलांस प्रोजेक्ट कैसे उठाऊँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ईमेल करना बहुत अच्छे से आता है कि भाई ये मुझे आता है मेरे को हायर कर लो बट दे आर नॉट रियली गुड एट देयर पर्टिकुलर स्किल राइट तो आई एम थिंकिंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन लर्न एंड देो गेट अपर्चुनिटी तो अभी मैं सोच कैसे बनाना चाहिए so, that is underway. अच्छा ठीक है सो so, अभी तुम्हारे हिसाब से जो यंगस uh, है जो तुम्हारे जैसे यंग लोग हैं बहुत से लोगों मेरे को मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के ही कॉलेज स्टूडेंट्स के वो पूछते हैं कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ कैसे उनके पास देखो ज़्यादातर जब आप हम यंग रहते हैं तो पढ़ाई करता रहता है यूजअली तो कैसा होता है कि ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं रहता फ्रेंड्स mm सपोर्ट -hmm. नहीं करते पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं पैसे की दिक्कत रहती है तो वो टाइम पर कैसे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे एज के लोगों को स्टार्ट करना चाहिए का काम करना चाहिए और क्या कैसे उनकी मैंटैलिटी होनी चाहिए और क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स उन्हें लेना चाहिए तुम्हारे हिसाब से आई थिंक सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपको क्या चीज़ करने में खुशी मिलती है इससे पहले क्योंकि मैंने ग्यारीवी का इतना सारा कंटेंट देखा था तो मैंने सोशल मीडिया बारे में काफ़ी कुछ सीखा था तो मैंने सबसे पहले सीखा फेसबुक एड्स के बारे में मैंने सबसे पहले जो इंटर्नशिप मेरे को मिली थी वो मेरे को फर्स्ट ईयर में मिली थी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर तो मैं उस कंपनी के अंदर जो फेसबुक एड्स होते हैं उसको मैं मैनेज कर रहा था तो इट वॉज एंट रेडी फॉर द मनी मेरे को काफ़ी कुछ सीखना था उनसे तो विश इज लाइक फाइव थाउजेंड पर मंथ जॉब बट आई लर्न सो मच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब एक महीना काम किया बट पूरे दिन आठ आठ घंटे में वहाँ पर बैठे काम करता था एंड दिस वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी मैंने ये सीखा उसके बाद क्योंकि मैं खुद की वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने वीडियो एडिटिंग की भी स्किल सीखी थी अच्छा। तो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि स्किल्स आर को तो रियली इम्पॉटेंट जैसे फेसबुक एड मैनेज करना सीखा उसके बाद वीडियो एडिट करना सीखा क्योंकि आजकल सब लोगों को वीडियो से सीखना है इसीलिए बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं अगर कोई भी वीडियो को सक्सेसफुल करना है तो उसकी जो एडिटिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आजकल या तो आप शॉर्ट बना रहे हो या फिर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हो जिसमें बहुत सारे फास्ट एडिट्स हो रहे हैं मेरे चैनल में भी जो दो एडिटर काम करते हैं मेरे साथ आजकल तो उनको मैंने ये सिखा रखा है कि यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी फाइव सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा है वीडियो के अंदर कुछ जूम इन हो रहा है जूम आउट हो रहा है कुछ ट्रांजिशन कुछ स्टॉक फुटेज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आई लर्न अबाउट वीडियो एडिटिंग एंड देन आई इट ऑफरिंग माई सर्विसेज तो दैट वॉज द सेकंड थिंग एट आई डिड ओवर देयर तो इसी तरह से आई वुड जस्ट रिकमेंड एवरी वन टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट दिस फील्ड्स विच आर बूमिंग तो अगर आप वो फाइंड आउट कर लो देन दिस कैन बी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एज वेल Skills पहले सीखे वो स्किल्स पे काम और उसके बाद उससे स्टार्ट करेफिने और वो भी अच्छी फील्ड के अंदर आपको होना चाहिए बहुत सारे लोग right, right, right. hmm. so, अगर मैं तुमसे पूछू की तीन स्किल्स जो तुम्हारे हिसाब से आज के टाइम पे व्यूवर्स के लिए यंगस्टर्स के लिए सीखना तुम्हारे सबसे जरूरी है जो उनको उनके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी या फिर ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में हेल्प करेगा तो वो कौन से स्किल्स होंगे नंबर वन आई आई थिंक सबको कोडिंग ट्राई करनी चाहिए

एंड इट वर्कस रेली वेल क्योंकि बहुत सारे मैंने बताया आपको राइट बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स कॉन्टेंट क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है एंड नॉट ऑन ऑप्टिमाइजिंग दियर कॉन्टेंट एज मच उनको इतना आइडिया भी नहीं होता सो इफ यू कैन लर्न दैट दैट वुड भी रियली वैल्यूबल्ड फॉर यू एस्पेशली गेटिंग फॉरन क्लाइंट्स तो मैंने ये देखा है फॉरन क्लाइंट आता है हमारा एक है तो इज जस्ट लाइक फाइव थाउजेंड डॉलर्स हजस्पेस दैन इज जस्ट लाइक ओके थैंक यू बाबा तो वो चला जाता है उससे कोई दिक्कत ही नहीं है एंड देन इंडिया में क्या होता है कई बार फर्स्ट ऑफ ऑल फाइव थाउजेंड डॉलर्स का फाइव हंड्रेड डॉलर हो जाता है एंड देन उसमें भी बहुत सारे नेगोशिएशन होते हैं कि यार नहीं इतना कर लो उतना कर लो हमने जब पहली बार स्टार्ट किया तो ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ hmm. अभी हम उनके साथ काम नहीं करते ऐसे क्लाइंट्स के साथ बट ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो फॉरेन फॉरेन क्लाइंट्स क्लाइंट्स लाओ एंड ऑफर देम कैसे लाना चाहिए आई हाँ. थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है फॉर डूइंग दैट आप कोल्ड ई कर सकते हो बट यू शुड ऑल्सो रियलाइज क्योंकि क्योंकि वो लोग एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में है एंड दे हैव अ हायर परचेसिंग पावर उनको बहुत सारे ऐसे ईमेल जा रहे होंगे उनके ईमेल में एंड सो इट इट विल बी अ लॉट हार्डर टू फॉर देम को जस्ट रीड ऑल ऑफ देम एंड ट्रस्ट यू राइट कर सकते हैं बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोबिलिटी ऑफ दैट उसके अलावा यू शुड फोकस ऑन लिंगड एम एंड लिंगड पर देखिए आप कि कौन से कौन से लोग हैं एंड वो क्या एक्जैक्ट चीज़ कर रहे हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो उनको आप मैसेज भेजो एंड देन ऑल्सो ट्राई टू नेटवर्क जैसे कि लेसेस से कि आप खुद एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आपने एक सोशल मीडिया मैनेजर से कनेक्ट किया लिंक पर उससे पूछे कि आप कौन से कौन से क्लाइंट के साथ काम कर चुके हो आपका जो पिछला क्लाइंट है क्या उसको सोशल मीडिया के अलावा ग्राफिक डिजाइन क्रिएट करने में भी दिक्कत हो रही थी hmm. अगर हो रही थी तो उनका कॉन्टैक्ट शेयर कर दो right. फिर उनसे आप बात कर सकते हो कि मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूँ मैंने ये पहला मेरा ये काम किया है मैंने एंड दिस इज हाउ आई कैन हेल्प यू बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं अपने ई के अंदर मैं कल ही ई देख रहा था मेरे wow. कुछ आठ सौ मैंने देखे एंड द बिगेस्ट थिंग आई रियलाइज इज दैट लोगों को ठीक से ई लिखना

जो मेरे एडिटर्स हैं अभी आई डोंट इवन आई इवन मेट दैम फेस टू फेस मैं फेल उनके नाम जानता हूँ आई सेंड दैम हाँ जो बेसिकली मेरे वीडियोज को एडिट करते हैं मेरे चैनल पर आई डोंट नो अ लॉट अबाउट दैम वो बस वीडियो अच्छे से एडिट करते थे इस गिव एंड टेक राइट आई गिव दैम दीडियोज दे क्रिएट आ रियली ऑप्टीमाइज वीडियो फॉर मी दैट वर्क वेल ऑन यूट्यूब हाई ए बी डी एंड आई गिव दैम द रिवॉर्ड फॉर दैट द मनी फॉर दैट एंड दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड आई डोंट वॉन्ट टू केयर अबाउट

सोशल मीडिया एजेंसीज के फाउंडर्स हैं एंड hmm. वो एक बात करते रहते हैं एक दूसरे को रेफर करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है ये ये बंदा अच्छा थंबनेल बनाता है ये बंदा अच्छा वीडियो एडिट करता है इससे बात कर ले इससे ऐसा कर ले तो ये बहुत होता है हमारे पूरे कम्युनिटी में सो यू शुड फोकस ऑन दैट आई थिंक तो मतलब तुम्हारे तुमने बहुत सारे सोशल मीडिया एजेंसी से कॉन्टैक्ट बना के रखे हैं तुमने हाँ सो बेसिकली वॉट अ लॉट ऑफ एजेंसीज राइट तो उनसे बात करता रहता हूँ मैं उनसे सीखता रहता हूँ कि वो कैसे क्या कर रहे हैं एंड देन आई ट्राई अपलाइंग दैट ऑन इधर ऑन माय ओन बिजनेस और वी ट्राई टू सी हाउ कैन वी कोलैबोरेट राइट तो एक एजेंसी थी जिसके साथ भी कोलाबोरेटेड एंड दे बेसिकली जस्ट सेड दैट वी हैव दिस क्लाइंट हम उनके फेसबुक आर्ट मैनेज करते हैं एंड वी विल पिच दैम योर सर्विसेज ऑफ योर एजेंसी अच्छा एंड इफ दे से येस I need a twenty cut from that, okay, and I okay. said definitely you can happily have that. Okay. So they got a 20% cut. We got the client, and uh, unko twenty percent cut three months tak mila, and then they went away happily after, and we had the client. So is tarah ke bahut sare synergies ab develop kar sakte ho once you have when, once you start networking with other people. Right, right. Or why networking ke liye you focused on LinkedIn? LinkedIn बहुत इम्पोर्टेंट है। LinkedIn के अलावा आजकल Twitter पे Spaces भी आ गए हैं। Okay. तो वो भी करना चाहिए लोगों को यूज लिंकडिन स्पेसिस क्लब हाउस इतना नहीं चलता है आजकल बट mm -hmm. uh, कुछ टाइम पहले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी सो so, या yeah. awesome, awesome. <laughs> मतलब मेरे को भी बहुत सी चीजें तुमसे सीखने मिल रही है और लाइक uh, like सुनने में तो बहुत सी चीजें आता है uh, मैंने सुना भी हूँ पढ़ा भी हूँ लेकिन है ना कैसा तुम प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर रहे हो दैट्स वेरी इंप्रेसिव और जिस हिसाब से तुम कर रहे हो दैट्स वेरी इंप्रेसिव मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था विच वॉज जस्ट लाइक अ सिक्स वीक लॉन्ग पॉडकास्टिंग बिजनेस राइट तो इसके अंदर मैं लोगों को पॉडकास्ट कैसे क्रिएट करते हैं एडिट करते हैं अपलोड करते हैं ऑप्टिमाइज़ करते हैं सिखा रहा था सो दिस वॉज बैक इन 2020 के एंड में एंड uh, उसमें क्या हुआ था मैम मेरे जो पापा हैं उन्होंने मेरे को बोला कि ये सारे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं जर देट ही हैज़ इन सबको कॉन्टैक्ट करो इन सबको पिच करो तो मैं पूरे दिन बैठ करके फोन ले करके उनको कॉन्टैक्ट करता था कि हेलो मैं ईशान शर्मा बोल रहा हूँ देर ऑट इवन नो हु आई वॉज एंड आई यूज टू पिच दम दिस थिंग दैट वॉज रियली अनकम्फर्टेबल फॉर मी राइट आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन बट मैंने बहुत कुछ सीखा उस सिचुएशन uh, में राइट तो आई थिंक सबको सेल्स और मतलब कोल्ड कॉल करने सीखने चाहिए कोल्ड मैसेजेस कोल्ड कॉल कोल्ड ई मेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वरना लोग ऐसे ही बस बैठे रहते हैं मतलब लोगों से बात नहीं करते ऑल दैट। सो दिस नीड्स टू चेंज आई थिंक कोल्ड ईमेलिंग कोल्ड कॉलिंग ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है ना मेरे को मेरे को तो ऐसा लगता है बाहर के कॉन्सेप्ट है इंडिया में कोई यूज़ करता भी है क्या ये सारी चीज़ों को बट तुम कर रहे हो और तुमसे उससे इतनी सारी चीज़ों को किया मतलब आ, मैंने मेरे जितने लोगों को मैं जानता ना वो लोग ज़्यादातर ये सब चीज़ें नहीं करते हैं आ, तुम उस चीज़ को कर रहे हो उसने तुमको इतना अच्छे रिजल्ट दिया दट्स वेरी ऑसम सो तुम्हारी बुक्स पढ़ते हो वट आर योर फेवरेट बुक्स आई थिंक अभी मैंने अभी रिसेंट किताब पढ़ रहा हूँ जो कि है कांट हर्ट मी बाई डेविड गॉगेंस तो ये आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम दिस बेसिकली अभी मैं रिसेंटली मैंने जिम ज्वाइन किया है mm -hmm. तो आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट मेंटल टफनेस फ्रॉम दैट वन बुक मैंने उससे पहले विल बाई विल्स में थे किताब है जो उनकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में उन्होंने खुद ने लिखी है Achha. तो वो किताबी बहुत अच्छी थी आई रिलेटेड अ लॉट विद द इनिशियल पार्ट ऑफ हिज लाइफ जब वो बस बता रहे थे कि कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली क्या उनके स्ट्रगल्स थे कैसे वो रैपिंग के अंदर आए फिर कैसे उनको अपना पहला टी वी शो मिला उसके बाद उनको कैसे अपनी पहली मूवी मिली तो दैट इज़ रियली गुड मैंने अभी रिसेंटली ये रियलाइज़ किया है कि फिक्शन बुक्स जो होती हैं वो अच्छी होती हैं दिस नॉट लाइक क्योंकि आप कुछ ऐसा नोशन होता है लोगों की अगर आप एक फ़िक्शन किताब पढ़ रहे हो तो आप उससे कुछ सीखोगे नहीं मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई लर्न अ लॉट अबाउट इमेजिनेशन क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी जो होती है बेसिकली I can develop that much better when I am listening to fictional fantasy worlds when I am reading about them. आजकल क्या होता है मैं बहुत सारी किताबों को सुनना पसंद करता हूँ rather THAN पढ़ रीड करना, no. because it's just a lot more quicker. But I am downloading all the information in my brain basically. So yeah, these were some books. Millionaire Fast Lane भी एक बहुत सी किताब है जो मैं recently read करी and it literally changed my whole thinking. करना तो आपको ऐसी करनी आपका खुद का प्रोडक्ट हो गया और ये सारी चीजें जैसे right. आप जल्दी स्केल कर सकते हो ज्यादा कमा सकते हो इन्वेस्टमेंट uh, करना एक hmm. अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट से भी अमीर बनते हैं बट इट अफ टाइम उसमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी करके बुक है उससे उसके उसके अंदर अंदर ये चीज़ चीज़ मैंने अभी रिसेंटली सुन रहा था उसके भी बताई गई थी कि वॉरेन बफेट जो है ना ही इज अ गुड इन्वेस्टर वो अच्छे इन्वेस्टर है लेकिन उनसे भी बेटर इन्वेस्टर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जो शायद से रेनेजान्स करके उनका कुछ तो हेज फंड थे उसके मैनेजर थे नहीं। नहीं। उनको है ना पर ईयर सिक्सटी का रिटर्न मिलता था और, और वारन बफेट का कुछ एवरेज है ना ट्वेंटी का था सो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इस बंदे का जो रेमेंड या कोई तो नाम था उनका उनका ज्यादा अच्छा uh, वो दिखा था रिजल्ट दिखा था बट स्टिल उनका जो नेटवर्क था ना वो वॉरन बफेट के सेवेंटी फाइव परसेंट उनसे कम था क्यों बिकॉज ना उन्होंने जो right. इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी ना वो थर्टी इयर्स से स्टार्ट की थी और वॉरेन बफेट तो जैसे आपको पता होगा mm -hmm. उन्होंने लाइक like बहुत यंग एज में ही इलेवन से इलेवन से, से उन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया था लाइब्रेरी जा जाकर पढ़ना स्टार्ट करके उन्होंने स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और क्योंकि उन्होंने इतना लंबे टाइम mm -hmm. तक इन्वेस्टिंग किए ना और इसीलिए उनको वो कंपाउंडिंग इफेक्ट का पूरा पावर मिला एंड ही बिकेम सो 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 ह्यूज लियरज राइट तो right. इन्वेस्टमेंट भी एक तरीका रिच होने का लेकिन अगर आपको जल्दी अमीर बनना, जैसे कि मिलेन, फा, फास्ट में तो आपको, आपको, हाँ. आपको अप... लोग गलती करते हैं हाँ हाँ. कि वो इन्वेस्ट भी करते हैं तो उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया टाइम भी इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें सोचते हुए कि इसको मैं कैसे और बढ़ा सकता हूँ इन्वेस्टमेंट को राधा देन थिंकिंग मैंने दिया किसी इंडेक्स फंड में या अपना बाकी का टाइम और बिजनेस बड़ा करने में लगाऊंगा या तो मैं अपना बिजनेस बड़ा करूं या फिर मैं और बिजनेस खोलूं Source उस पे of... फोकस करूं तो अगर ये माइंडसेट जो होगा तो दिस विल बी रियली वेल दिस विल वर्क रियली वेल फॉर पीपल राइट 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 एब्सोल्युटली इनकम सोर्सेज बढ़ाने में फोकस ज्यादा करना चाहिए मेरे हिसाब से और किसी तो बुक में मैंने ये भी चीज़ पढ़ा था कि लोग है ना बहुत ज़्यादा सेविंग पे फोकस करते हैं सस्ती सस्ती चीज़ें दैट्स गुड ऐसा नहीं कि आपको पैसे उड़ाने चाहिए सब चीज़ों में लेकिन उसके साथ साथ जितना आप अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको सेव करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा सो दैट्स नाइस और जैसे कि अभी तुम ट्वेंटी के एज के और तुमने भी अभी काफ़ी सारे कितने सोर्स ऑफ रेवेन्यू मोटे मोटे होंगे छः सात सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो तुमने गिना ही दिया राइट एवरेज हाँ, मिलने awesome, के मैंने सुना था कुछ सात सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होते हैं <laughs> <laughs> तो <laughs> देख लिए क्या होने वाला जर्नी <laughs> सही, सही, सही. के लिए तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा अभी थैंक यू सर मैं ना एक तुम्हारे शायद से एक वीडियो देखा था मेरे टीम मेंबर ने वो मुझे बता रहा था कि कैसे ना तुम्हारी को तुमको इंग्लिश लर्निंग ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ना अब इंग्लिश लर्निंग ने ना कैसे ना मैंने देखा हूँ अपने इंडिया में ना दो पर्सपेक्टिव है दो एक्सट्रीम्स में लोग देखते हैं एक एक्सट्रीम में देखते हैं कि यार इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उस जो बात नहीं करेगा जो इंग्लिश में बात नहीं कर पाता उसको एकदम गंदी नगाहों से देखते हैं और ऐसा है और दूसरे एक्सट्रीम में लोग बोलते हैं इंग्लिश कुछ है ही नहीं उसके ऊपर ज़रा भी फोकस नहीं करता तो मैं चाहता हूँ तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है इंग्लिश से रिलेटेड ज़रा बताओ मुझे देखिए मैं तो खुद को ऐसा अ बिजनेस ओनर एज अ फ्रीलांसर मानता हूँ तो आई एम मोर ऑफ अ ग्लोबल सिटीजन तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट अगर मुझे इंग्लिश अच्छे से आएगी तो मैं क्लाइंट से अराउंड द वर्ल्ड उनसे बात कर सकता हूँ आई एल बी मच मोर कॉन्फिडेंट वेन टॉकिंग विद दैम वैन पिचिंग टू दैम तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है मैंने दो तीन वीडियो बनाई भी है मेरे चैनल पर अबाउट हाउ केन यू स्पीक इंग्लिश बेटर मैंने तो सब कुछ अपनी प्रैक्टिस से ही किया है तो एक कॉमन एडवाइस मेरी यही होती है कि आप बस खुद को रिकॉर्ड कर लो हर दिन दैट्स वॉट आई डिड आपने आज क्या क्या किया आप अपना फ़ोन उठाओ हर दिन रिकॉर्ड करो कि हाँ मैं ईशान बोल रहा हूँ मैंने आज ये सारी चीज़ें करी मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थैंक यू सो मच जब आप ये हर दिन बोलोगे इंग्लिश में आप अपने आप ही खुद को इवेल्यूएट कर सकते हो इन द स्पैन ऑफ लेस ईयर आप डे वन देखो खुद को एंड देन डे देखो यू विल ऑटोमेटिकली सी डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दैट दैट इज ऑल यू शुड फोकस ऑन दिस इज द बेस्ट वे दैट यू विल बी एबल टू योर इंग्लिश ऐसा मैंने देखा है इन माई ओन एक्सपीरियंस एक्चुअली तुमने एकदम तुम सही बोला था साइंस ऑफ एक्सलटेड लर्निंग करके एक बुक है उसके अंदर भी ऑथर बताते हैं ना कोई भी चीज सीखने का जो सबसे फास्ट तरीका है ना वो यही है कि आप उसको चीज़ को करो जितना आप करोगे जैसे कि मैं स्विमिंग से रिलेटेड यूट्यूब पे कितने भी वीडियोस देख लूँ मुझे स्विमिंग करने नहीं आएगी हाँ मैं पूरा एकदम टेक्निक रट्टा मार लूँगा एकदम अच्छे से बैठा लूँगा स्कैन कर लूंगा लेकिन मैं पानी में जाऊँगा ना तो मैं वो स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा वो कैसे आएगी मेरे को जब मैं एकदम प्रैक्टिस करते रहूँगा थोड़ा थोड़ा दो दो तीन बार पानी मुंह में नाक में जाएगा उसके बाद ही मुझे वो करने करते करते आएगा तो साइंस ऑफ फैसलेटेड लर्निंग में भी ये बताता है कि जितना आप एक्टिवली चीज़ों को सीखते हो ना उतना वो चीज़ आपके दिमाग में बैठती है आप कर पाते हो तो तुमने जो तरीका बताया वो वन ऑफ द मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट तरीका है एक्टिव लर्निंग का एक तो यही तरीका है कि आप डायरेक्टली किसी इंसान से बात कर लो एक्टिवली बट uh, वो कई बार लोगों को पॉसिबल नहीं हो, हो पाता है लोग नहीं रहते इतने तो कोऑपरेटिव नहीं रहते और जज करने का वो शर्म आती है तो तुम्हारा जो तरीका है मेरे लगता है बहुत काफ़ी यूनिक अच्छा है कि हम खुद से ही रिकॉर्ड कर ले तो कोई जज करने वाला भी नहीं है खुद से हम देख लेंगे कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा राइट 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 एक्चुअली मेन बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैंने जो थे ना वो हो ही गए पूरे कम्प्लीट ही हो गए कुछ ऐसा लास्ट तुम अगर बोलना चाहोगे यंगस्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे कोई एक इंपॉर्टेंट लेसन जो तुमने अभी तक सीखा है अपनी पूरी जर्नी से जो तुम्हें लगता है कि लोगों को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा मे बी तो क्या रहेगा आई थिंक सबको ये चीज समझनी चाहिए कि आप या तो एक जगह बैठकर सारी चीजें सोच सकते हो कि ये करूंगा तो कैसे होगा ये करूंगा तो क्या हो जाएगा कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी एंड देन यू कैन इधर एग्जीक्यूट राइट तो सोचते रहने से कुछ नहीं होगा आपको बस एग्जीक्यूट करना आना चाहिए एंड दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर तो आप यू विल जस्ट बी एट एट लेवल जीरो राइट यू हैव टू जस्ट कीप हर्स्टलिंग आप नई चीज़ें ट्राई करते रहो आइड्रेट करते रहो एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट मैंने एक स्टार्टअप में भी काम किया था जो दैट रिसेंटली गॉड फंडेड एंड उनके जो फाउंडर थे उनकी यही फिलोसॉफी थी ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द पास्ट एट ईयर्स एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड उनकी पूरी ये जर्नी में उन्होंने बहुत बार चीजें ट्राई आउट करी नई नई चीजें उन्होंने चेंज करी उन्होंने नई नई चीज़ें अप्लाई करी खुद के बिजनेस पर खुद के ऊपर भी खुद की लर्निंग्स के ऊपर लर्निंग उन्होंने काफी कुछ सीखा इस पूरे एरिया में तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट एवरी वन शुड कीप इन माइंड जस्ट कीप अप्लाइंग जस्ट कीप ऑल ऑन थिंग्स दैट इज रियली इंपॉर्टेंट मूविंग मतलब चलते रहो आगे बढ़ो कुछ करो सिर्फ एक जीरोक्टली एक्चुअली हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की ना दिमाग में और आजकल के लोगों की तो बहुत प्रॉब्लम है इनफैक्ट ओवर थिंकिंग तो सच बोले तो मेरी भी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग दिमाग है ना दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है बट दिमाग से ज़्यादा मुझे लगता है हाथ पैर भी चलाने की जरूरत है जो कई लोग नहीं कर पाते वो करना आना चाहिए दट्स ऑसम awesome. अच्छा मैं जो क्वेश्चन था ना मुझे याद आ गया मेरा क्वेश्चन यही था कि राइट right नाउ तुम कितने लोगों के साथ काम कर रहे हो तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं श्योर sure. तो मेरे चैनल को चलाने के लिए आई रिकॉर्ड ऑल द वीडियोज आई हैव टू वीडियो एडिटर्स एंड आई हैव टू थम डिज़ाइनर्स उसके अलावा फिर आई हैव अ सब टाइटल राइटर जो भी मेरे वीडियो सब टाइटल होते हैं ही मैनेजेस दैट उसके अलावा आई ऑल्सो हैव मार्केट अप उसके अंदर आई फर्स्ट ऑफ ऑल हैव माई को फाउंडर सारांश मेरा रूममेट ही था मेरे कॉलेज से एंड देन आई हैव आई हैव सिक्स फुल टाइम पीपल अदर देन बोथ ऑफ एस एंड दे वी हैव अबाउट टेन कॉन्ट्रैक्टर्स तो ये फ्री लेंसर लोग हैं दे वर्क ऑन पर वीडियो एड इट पर थमलेट डिजाइन बेसिस एंड दिस इज बेसिकली द होल मार्केट अपीम राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड वी आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट हाउ केन वी स्केल हाउ कैन वी मे बी गेट बिगर क्लाइंट्स हाउ केन वी गेट अ ऑफिस समटाइम एज वेल मैं बी ए बाई सेफ की बहुत सारी वीडियोज देखता हूँ उनसे काफ़ी कुछ मोटिवेशन दे मिलती है मेरे को जब मैं उनके सारे ब्लॉग्स देखता हूँ तो रणवीर भाई

ठीक है तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल बातें तो इतने पैक्ड टाइम में मिली गई है और मैं होप करूँगा कि जो व्यूवर्स है उन लोगों को काफ़ी सारी बातें सीखने मिली हो मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके बताओ अगर कुछ ईशान भाई के लिए और कुछ क्वेश्चंस है जो तुमको लगता है मुझे पूछना चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम वापस से कनेक्ट करूँगा ऑफिस इनको इनसे पूछूंगा ताकि आप तक और ऐसी वैल्यूबल बातें निकल के आती रहे और अगर तुमको ईशान कुछ तुमको लगता है कुछ मिस हो रहा है अगर तुमको लगता है कुछ ऐसी बात है जो बताना जरूरी है व्यूवर्स को अपने तरफ से तो आई थिंक उसके ऊपर एक नोट पे खत्म करता हैं मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए यू नो एट वन स्पॉट ये बस एक चीज़ है दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ मैं कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ समटाइम्स आई गेट कम्फर्टेबल इन माई करेंट सिचुएशन जहाँ पर मैं हूँ बट आई थिंक आई नीड टू नॉट बी इन दैट पोजिशन क्योंकि फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है सो दैट्स जस्ट लाइक अ दैट आई हैड दिस मंथ सो या कम्फर्ट में मत रहो कम्फर्ट से निकलते रहो नाइस nice. एक्चुअली ये सबकी क्रिएटर्स लोगों के ना एक एक टाइम बात है हम क्रिएटर्स के साथ होता है क्रिएटर्स का सबके साथ ही होता है जब हम ना कोई एक प्रोसेस के यूजटेड हो जाते हैं ना वो प्रोसेस में तो वो चीज़ से निकल नहीं पाते ये मैंने बताया ना और कई बार है ना वो प्रोसेस बहुत बोल सकते हो मेहनत वाला रहता है ताकत जाती है टाइम वेस्ट होता है बट स्टिल हम लोग निकल नहीं पाते क्योंकि इतना यूज हो जाते हैं हम इंसान उस चीज से मैं भी वो जो एक हफ्ते हफ्ते पूरा फंसा हुआ रहता था बट वो मेरे लिए कंफर्ट था मैं मेहनत बहुत कर रहा था बट स्टिल वो कंफर्टेबल हो गया था वो मेहनत करना कंफर्ट हो गया था मेरा तो वही एक कंफर्ट से निकलना ग्रो होने के लिए बहुत बहुत बहुत, बहुत जरूरी है एंड ये जो लेसन है तुम्हारा सच में बहुत पावरफुल है ऑसम मज़ा आया आई थिंक मैं चाहूँगा वापस से चाहूँगा मैं तुम्हारे साथ एक और बार कभी ना कभी वापिस पॉडकास्ट करूँ इसलिए मैं व्यूवर्स को बोल रहा हूँ कि कमेंट करके क्वेश्चन जरूर डालो क्योंकि मैंने तो यूजुल कैसा होता है पता है मेरा क्या होता है पता है मैं uh, बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी करता हूँ और, <laughs> और हम लोग बात स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग की बात में ही ना एक घंटा डेढ़ घंटा निकल जाता है और क्वेश्चंस uh, पूरे खत्म नहीं हो पाते हैं तुम्हारे साथ ना थोड़ा उल्टा हो गया मेरा पता है जितने मैंने क्वेश्चंस किया था ना तुमने ऑलरेडी <laughs> उस चीज़ का आंसर है ना कई बार मैंने पूछा नहीं उस तभी तुमने दे दिया था उस चीज का आंसर <laughs> <So, laughs> सो तो मेरे पास क्वेश्चन की कमी पड़ गई वरना मैं एक घंटा आराम से खींच लेता था बट कोई बात नहीं दैट्स तुमने बहुत कंसाइज बेसिकली अच्छी बात यह कि तुमने बहुत कंसाइसली बहुत अच्छा अच्छा आंसर दे दिया तो दैट्स वेरी नाइस नेक्स्ट टाइम ऑफिस से मिलता है मैं ऑफिस से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आऊंगा ठीक है तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और बिल्कुल बिल्कुल एक भिल्कुल, एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे so में मैं मैं खत्म हुआ से क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि तुम्हारा फ्यूचर फ्यूचर गोल्स क्या में तुम क्या चीज पे फोकस करने के लिए सोच रहे हो अभी फ्यूचर में आई थिंक मेरा गोल यही होगा कि मैं एक प्रोडक्ट एक प्लेटफॉर्म पर फोकस करूँ एंड जैसा मैंने सीखा है फ्रॉम नवल रवि कांत फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस बहुत सारे को फाउंडर्स से बात होती रहती है मेरी तो आई वन थिंग आई रिलाईज दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेक समथिंग दैट स्केल्स रियली वेल ताकि आप बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर सको राइट right? तो वो एक चीज है क्योंकि मार्केट अप एक सर्विस बेस्ड एजेंसी है तो हम उसके थ्रू ओनली अ सिलेक्ट क्लाइंट्स वी कैन वर्क विद वी कैन नॉट इम्पैक्ट लेट्स से लाख पीपल ऑफ कोर्स जो बिजनेस हम एक साथ हम काम करते हैं दे कैन इम्पैक्ट लॉट ऑफ पीपल बट हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो पाता है उन लोगों के ऊपर सो आई थिंक दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू वर्क ऑन इन दिस ईयर पर्टिकुलरली चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर यूचर होपफुली थैंक यू सो मच सब अच्छा होएगा और मिलते हैं वापस से कभी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में बिल्कुल बिल्कुल थैंक्स लॉट या